जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाले के नाम से प्रसिद्ध सुरंग अचानक ढह गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 4 लोग घायल हो और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस खूनी नाले में हादसे के बाद से 10 मजदूर लापता है। यह दर्दनाक हादसा गुरुवार रात को हुआ। सुरंग के आगे की तरफ का एक छोटा सा हिस्सा भरभरा गया। इसके बाद सुरंग के आगे के हिस्से की तरफ खड़े बुलडोजर और ट्रक समेत कई वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद राहत और बचाव ऑपरेशन जारी है। निर्माणाधीन सुरंग में हादसे के बाद इस खूनी नाले को लेकर लोग फिर से कई तरह की बातें करने लगे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है खूनी नाला और शापित महिला की कहानी। इस खूनी नाले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक महिला है जो काली साड़ी में दिखती है। उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है। बनिहाल सुरंग से गुजरने से ठीक पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोड़ है जिसे लोग खूनी नाले के नाम से जानते हैं। इस नाले को खूनी नाला का नाम या होने वाली दर्दनाक घटनाओं की वजह से मिला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके आसपास का इलाका बुरी आत्माओं से घिरा है। लोगों का कहना है कि काली साड़ी में एक महिला गाड़ियों को रोकती है और लिफ्ट मांगती है। जो रुकता है वो मर जाता है और जो नहीं रुकता उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि खूनी नाला उस काली साड़ी वाली महिला से श्रापित है, इसलिए यहाँ इतने सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों से बचने के लिए एक इंजीनियर ने समाधान निकाला था। यहाँ एक स्टील का जाल बनाया गया जो गिरने वाले वाहनों और चट्टानों से बचाता है। इस स्टील के जाल को हर कुछ महीने में बदला भी जाता है। इन तमाम इंतजामों के बाद भी देर रात पहाड़ दरका और निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। अभी भी कम से कम 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। खूनी नाले के पास सुरंग के ट्यूब के निर्माण का काम पूरा हो गया है। इसके दूसरे ट्यूब का निर्माण करने के लिए जैसे ही पहाड़ की खुदाई के लिए मशीनें चालू की गई, वैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। पहाड़ के दरकने से पोकलैंड मशीन, क्रेन और डंपर भी इसके चपेट में आ गए। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन में लगे बहुत से मजदूर भी मलबे में दब गए।